राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर जिला मुख्यालय चंबा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मिलेनियम गेट चंबा से आरंभ हुई साइकिल रैली नए बस अड्डे से सरोल व कियानी होते हुए राजनगर पहुंची तथा वापस मिलेनियम गेट पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली को एसडीएम अरुण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली के समापन मौके पर उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चंबा के युवा हमेशा से खेलों में आगे रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि खेलों में भाग लेने से अनुशासन की भावना को बल मिलता है। खेल गतिविधियों से जहां प्रतिभागी एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, वहीं शारीरिक व मानसिक तौर पर भी मजबूत बनते हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्व भी बड़ा है तथा खेलों के माध्यम से भी बच्चे अपना बेहतरीन भविष्य बना रहे हैं। उन्होंने बच्चों से खेलकूद गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने तथा खेलों के माध्यम से अपने क्षेत्र, जिला, प्रदेश व देश का नाम रोशन करने का आह्वान भी किया। साइकिल रैली में करीब 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज जो जी 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 आज इस चंबा के ऐतिहासिक चुगान में जो है वो आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है और द्रोणा सोसाइटी चंबा की तरफ के सौजन्य से मनाया जा रहा है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स का हमारे लाइफ में बहुत महत्व है, हमारे विचारों को, शरीर को, सोसाइटी को जो है वो स्वस्थ रहने में जो हमारी स्पोर्ट्स बहुत मदद करती है। अच्छी भावनाएँ जो मन में आती हैं और खेल की भावना जो है वो आदमी को एक टीम वर्क सिखाती है और आपस में कैसे भाईचारा रखना है वो सिखाते हैं। तो इसकी शुरुआत जैसे आपको पता ही है कि श्री मेजर ध्यान सिंह जी के 2012 में इसकी शुरुआत की गई और आज उनकी जन्म दिवस भी है, तो मैं समस्त चंबावासियों को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बधाई देता हूँ। और आज इनके सौजन्य से एक साइकिल रैली भी निकली गई है जो राजनगर तक जाएगी, उसके वापस आएगी। काफ़ी संख्या में प्रतिभागी यहाँ से जो है वर्कशॉप हुए, तो मैं आपको सबको जो है वो अपनी तरफ से, द्रोणा सोसाइटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हिमाचल प्रस्तुत की चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।